जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं झकास भारत पर और आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे कल का जो आंदोलन रहा बीपीएससी को लेकर, बीपीएससी 67वीं एग्जाम को लेकर। बच्चे लोगों का लगातार डिमांड था कि इसमें एक एग्जाम हो और एक शिफ्ट में एग्जाम आयोजित किया जाए, और 31 तारीख को आयोग के द्वारा एक नोटिस आया और उस नोटिस में बताया गया, ये तो पहले से ही आ रहा था, लेकिन 31 तारीख को जो नोटिस आया उसमें बताया गया कि 20 और 22 सितंबर को आपकी एग्जाम होगी, जो कि बच्चों में आक्रोश हो गई, क्योंकि बच्चे 26 तारीख को आयोग के अध्यक्ष से मिलने गए और आयोग के अध्यक्ष के द्वारा ये आश्वस्त किया गया, ये आश्वासन दिया गया कि आप लोगों का जो एग्जाम होगा उस 31 तारीख को आप लोग आइए, आपसे हम मिलेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन 31 से पहले यानी कि 30 को ही एक नोटिस जारी कर दिया गया कि आपका एग्जाम दो शिफ्ट में होगा। लेकिन आज जो 31 तारीख को आंदोलन हुआ उसके बाद 1 तारीख को सीएमओ के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा सभी अधिकारियों की बैठक हुई, मुख्य सचिव को बुलाया गया और इस पर सभी बीपीएससी अधिकारियों से बातचीत करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि एग्जाम केवल और केवल एक शिफ्ट में होगा और संभावित डेट जो अभी चल रहा है कि 21 न 20 न 22 21 को यानी कि केवल 21 तारीख को 21 सितंबर को एग्जाम लिया जाएगा, और आपसे एक बात बता दें एक शिफ्ट में लिया जाएगा। तो इसलिए जितने भी बीपीएससी के बच्चे हैं मैं उन सभी बच्चों से यह अनुरोध करूंगा कि आप सब अब ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का काम करें, प्रतिदिन 1 से 2 सेट ग्रुप बना के 2-3 बच्चे हो जाएं और अच्छा से अध्ययन करें, सेट प्रैक्टिस जरूर करें। और एक बात, आपको यदि आप अब एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ना क्या है, हिस्ट्री साइंस और करेंट, हिस्ट्री साइंस और करेंट पर आपको विशेष फोकस करना है, बाकी सभी चीज आपको मीडियम में लेकर चलना है, उसका केवल रिवीजन करना है। यदि आपको झकास भारत का जो न्यूज होता है वह अच्छा लगे तो आप झकास भारत को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा। आंदोलनकारी लोग है की पूर्णता प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना बिल्कुल गैर कानूनी है, अतः आपसे अनुरोध है की कृपया अवलंब खाली करते, कृपया अवलंब खाली करते, कृपया अवलंब खाली करते। मंत्री जी के घर में घुस गया क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बोलो 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 हॉस्पिटल ले जाओ हॉस्पिटल ले।